ना गैस आती है ना बिजली आती है, बिल पहले से ज्यादा आता है। अगर ये बिजली के रेट बढ़ाएंगे मैं तो चैन से नहीं बैठूंगा। कश्कोल लेकर दुनिया के पास जाते कि हमारे पास पैसा नहीं है, इन्होंने काम को भिखारी बना दिया है। मुझे ये कबूल नहीं है, ये पाकिस्तानी काम भिखारी नहीं है। हम पाकिस्तान को एक बाइज्जत बातौकीर मुल्क बनाएंगे, दुनिया की पहली इक्तसादी कुवत भी पाकिस्तान को हम बनाएंगे। ये नौजवान अल्लाह के फजल करम से ये नवाज शरीफ का नौजवान है, हम इनको एक बात खुशहाल मुस्तकबिल देंगे। इनकी जो डिग्रियां हैं इंशाल्लाह इनके काम आएंगी। आपके हाथों में सिर्फ डिग्रियां नहीं रहेंगे बल्कि इंशाल्लाह एक बाइज्जत रोजगार आपको मिलेगा। और हम आसान शर्तों पे कर्जे देंगे या बगैर सूद के कर्जे देंगे, बगैर मुनाफे के कर्जे देंगे। हमारी हुकूमत होती आज बिजली का मसला भी हल हो चुका होता, घरों में गैस आ रही होती, हम जो है वो LNG मंगवाते, वो आप तक पहुंचाते। इस मुल्क की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में होगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग हैं। ये ख्वाजा आसिफ है पाकिस्तान का बेहतरीन दिमाग है, हमारा खुर्रम बेहतरीन दिमाग है। आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर एनर्जी भी आएगी और हमारे पास हम शुगर मिलों से एनर्जी लेंगे, हम छोटे छोटे डैम बनाएंगे, हम छोटे छोटे डैम बनाएंगे, हम बड़े डैम बनाएंगे, हम बड़े डैम बनाएंगे। शहबाज शरीफ जाओ, गुजरांवाला जाओ, इन नौजवानों से मिलो, इन पहलवानों से मिलो, पूछो ये क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं वो उनको देकर आओ। और कंजूसी मत करना, जो चाहते हैं वो खुले दिल से देकर आओ। एक ऐसी सड़क बननी चाहिए ख्वाजा साहब जो सियालकोट से लाहौर जाए और फिर एक सड़क जो है वो गुजरांवाला से सीधी लाहौर जाए। मैं शहबाज साहब को ये भी कहूंगा कि गुजरांवाला में ये कुश्ती के दंगल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और दुनिया भर से टीमें आए, दंगल हो। किसी दिन आप मुझे भी बुलाओ, मैं भी आऊंगा। गुजरांवाला में जितनी खाली जगह पड़ी हुई है बड़ी बड़ी इस तरह की, उनको क्रिकेट ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में हम उनको तब्दील करें। गुजरांवाला के पहलवान खांदे गिरिया से बादाम ओ मारन मुखी कटन जान। क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा।